भाई को डाला गया, हम बोल रहे थे हमें ले चलो, कहे तुम नहीं जाना, वो पागल है, वो वहाँ उखाड़ने लगेगा, भैया तुम यहाँ बैठो, अपने वाइफ को भेजो, भौजाई को भेजो, अपने भतीजे को छोटे वाले को भेजो, वहाँ ले गया गया है 420 में, वहाँ से चोरी करवा दिया कागज जो इकरारनामा के होते हैं तहसील से। हाँ तहसील से। बोले कितने लाख रुपए का ठगी लगाई उसने, चूने लगाया 22.5 लाख का। अच्छा, कितने की जमीन बेची थी आप लोगों ने? यहाँ पे हमने बेचा था, हम नहीं थे, हम मुंबई में थे, हमारे चाचा और पिताजी मिल के बेचे हैं। कितने? 29 लाख की बेचे हैं। क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या मांग करते हैं? सुनाई नहीं होती है और उल्टा हम ही पकड़े जा रहे हैं, हमारे ऊपर पूरा बोझ आता है। हमने जमीन बेचा, हमने की जमीन बेच दी उसने फर्जी तरीके से, आप ही के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा लिख दिया। हाँ, हमारे खिलाफ, ये सब हमारे। सर मामला यह है कि सर हमने जमीन बेचे थे और रिश्तेदारों से पैसा लिए थे, ये हमें जमीन दिखाता था, सगले कई जगह दिखाया, दिखाने के बाद सर ये रमुआ में संतुष्टि किया, हमें घर भर देखने गए, 9.5 बीघा जमीन हमको बताई गई, उसके बाद में ट्यूब वेल सहित दिखाया, दिखाने के बाद सर ये ने हमसे कहा कि हमें 1 लाख बयाना दे दीजिए, हमने बयाना दे दिया, हमसे झूठ बोलता रहा कि मेरे रिश्तेदारों की जमीन है शिव सिंह की, और वही के नाम की खतौनी दिखाता फिरता रहा, हमको बखलाए रहा। उसके बाद में सर जी हमसे कहा, नोटबंदी का समय था, हमसे कहा कि पैसा निकाल लो तो मैं एग्रीमेंट करा लूँ, इकरारनामा करा दूँ, और जो पैसा बकाया बचे वो बाद में बैनामे में दे देना। सर झूठ बोल करके हमसे पैसा ले लिया। कितना पैसा लिया? 20 लाख 22 लाख रुपए भी ले लिए गए हैं, आपके सामने पेश हुए हैं, क्या दावे किए? अभी तक जो जानकारी में आई है तो संबंधित व्यक्ति को की जमीन देने के नाम पर उससे 21 लाख रुपए लिए गए, और उसके बाद उसकी जब जमीन रजिस्ट्री हुई है ये ज्ञात हुआ है कि ये जमीन किसी एक्चुअल ओनर जो कोई और है, इस संबंध में एक्चुअल ओनर के द्वारा इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है, मुकदमे की योजना हो रही है, और चूंकि इनका कहना है कि साहब हमने तो ज़मीन बेचा और हमने पैसा भी दिया, इसके बाद भी हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इस संबंध में इंस्पेक्टर मैं विश्वास करता रहा सर, विश्वास करते के बाद फिर मैं भेज दिया सर, ये ने इकरारनामा कराया, अब भतीजे को मेरे गवाही में डाल दिया, और उसमें अपना भी गवाही में है सर। तीन महीने का इकरारनामा है। जमीन का पता चली फर्जी हो सर? जब हमको पकड़े गए सर तब पता चला हमें। आपके खिलाफ FIR हो गई है? जी सर। किसने कराई है? शिव सिंह ने करवाया, ओरिजिनल शिव सिंह ने, ओरिजिनल जिनकी जमीन है, हमारे घर भर को अंदर कराए सर, मैं औरतों सहित से सर। अरे चाचा हैं इनके साथ, 420 हुई, 420 इनके साथ हुई। हमें कितने लाख का चूना लगा इनको? 22.5 लाख का। किसने लगाया है? चंदन ने। कौन है ये? लोधी। घर के सामने है, एक गांव का है। क्या कैसे किया इसने चूना, कैसे लगाया? ये हमें ले गए वहाँ ये तहसील में, वहाँ पे इकरारनामा कराया पूरा, और इकरारनामा करा मतलब यहाँ पे हमसे बताया था कि 3 साल का हुआ है, और उसमें तीन महीने का हुआ था इकरारनामा। फर्जी जमीन किसकी बिचवाई इसने, कहाँ पे खरीदा? शिव सिंह की। शिव सिंह की जमीन थी, फर्जी जमीन उसकी बिकवाई। कहाँ पे? रमुआ पंथुआ में। कितने बीघा थी? 9.5 बीघा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से जब आए तो फिर हम एक दो तीन मतलब कम से कम 10 महीने के बाद, 10 महीने के बाद हमारे पूरी फैमिली Thank you.
हैं।